तो है गाइस, बहुत दिन के बाद में ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ रेडियो के मिन्नागुड़ी। और क्यों जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ बूट का हुज लेने के लिए, और मेरा भाई है वो लेगा बूट उसी के लिए। दोनों लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं मिन्नागुड़ी, और देखते हैं वहाँ पर जाके पेंट भी लेने के लिए सोच रहा हूँ। अगर पेंट बजट में होता है तो पेंट भी लूँगा। अभी चल रहे हैं मिन्नागुड़ी। इसके लिए हम लोग बूट लेने के लिए जा रहे हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं साइकिल पे। ये रहा मेरे फ्रेंड का साइकिल, लेके पकड़ के जा रहा हूँ मिन्नागुड़ी। तो अभी चलते हैं मिन्नागुड़ी, और मिन्नागुड़ी जाके देखते हैं कितना टाइम लगेगा पहुँचने के लिए। अभी फिलहाल हम लोग निकले हैं 10 बजे, और देखते हैं कितना टाइम पे पहुँचेगा वहाँ पे। कम से कम तो आधा घंटा लग जाएगा पहुँचने में। तो अभी चलते हैं सुहाना मौसम का इन्जॉय करते हुए मिन्नागुड़ी। और देख सकते हैं टोटो सब हम लोग को ओवरटेक करके पार हो जा रहे हैं, और हम लोग पीछे पीछे आराम से जा रहे हैं। तो कैसे अभी तो फिर हम लोग बहुत सारा बातें करते हुए हल्दी बड़ी पहुँचने वाले हैं, और सामने है हल्दी बड़ी। बहुत सारा बातें होते करते कैसा क्या लेंगे, किस चीज़ लेंगे, वैसे सब बातें करते हुए हम लोग जा रहे हैं आराम से हिलते डुलते। बहुत मज़ा भी आ रहा है क्योंकि बहुत दिन के बाद में निकला हूँ, बहुत दिन के बाद में ब्लॉग भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा खुशी भी हो रहा है ब्लॉग करने का। तो अभी चलते हैं, और बता दूँ ये सब बातें करते हुए पहुँच गए हल्दी बड़ी, पता भी चला, और बहुत जल्दी पहुँच गए। 10 मिनट में हम लोग हल्दी बड़ी पहुँच चुके हैं। तो अभी चलते हैं मिन्नागुड़ी, और रहा सामने हल्दी बड़ी जो थोड़े दूर पे है। तो ये रहा हल्दी बड़ी, यहाँ से एंटर करते हैं, भीतर जाते हैं हल्दी बड़ी पे। तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हम लोग राइट साइड जाएंगे। यहाँ से राइट साइड सीधा जाने से हम लोग को मिल जाएगा, तो हम लोग को इधर से जाना पड़ेगा। यहाँ से नहीं, राइट साइड कट के इधर से जाना पड़ेगा मिन्नागुड़ी। तो अभी चलते हैं मिन्नागुड़ी। और ये हम लोग का बिना और हल्दी बड़ी का बिरसा मुंडा, इसे क्रॉस करके सीधे चलते रहेंगे तो हम लोग मिल जाएगा मिन्नागुड़ी। और पीछे जा रहा है, ये रहा पिकनिक गाड़ी जा रहा है। तो अभी फिलहाल फिश पुल को क्रॉस करना पड़ेगा। ये पुल टूट गया था, कुछ दिन पहले बनाया है पुल, इधर था तो उसे टूट गया था, इसलिए इधर बनाया पुल। और रास्ता तो बहुत डेंजर है यहाँ का। रास्ता बहुत खतरनाक है, ऑफरोडिंग पूरा हो गया, थोड़ा देर निकल ऑफरोडिंग पूरा हुआ, रास्ता भी बहुत खतरनाक है। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मिन्नागुड़ी की गलियों पे। तो हम लोग पहले छोटा वाले रास्ते से जाएंगे, हम लोग चौकुद्यों के नहीं जा रहे हैं, ये वाला रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को साइकिल भी ठीक करना है, थोड़ा ख़राब हो गया है उसे ठीक करना है, चाइन रूप सब कट करना है, इसलिए हम लोग ये वाले रास्ते से जा रहे हैं। हम लोग जहाँ पे जहाँ से साइकिल लिए थे, मेरा फ्रेंड लिया था, वहीं पर जाके इसे ठीक कराएँगे, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा साइकिल, मेरा फ्रेंड का साइकिल है ये, ये दुकान से लिया था, ये दुकान है। और ये है कि हम लोग चैन टैक करा रहे हैं, ये भैया है जो हम लोग का चैन टैक कर देंगे अभी। अभी तो फिलहाल हम लोग का साइकिल ठीक करना हो चुका है, और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ से बूट लेंगे वो वाला दुकान पे। तो अभी चलते हैं बूट लेने के लिए। तो सामने ये दुकान, तो फिलहाल वहीं पर जा रहे हैं अभी। और मिन्नागुड़ी की गलियों पर देख सकते हैं बहुत भीड़ है। तो ये सामान सब लिया है, दो शूज लिया है, एक पेन लिया है, और इसका ये लिया है। वाला तो यहाँ पे बजरंग भैया के पास दुकान का शॉप बहुत बड़ा है, आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दुकान बहुत बड़ा है, और अभी सब पैक करके हम लोग चलते हैं घर। तो अभी तो सब कुछ लेना हो चुका है, पूरा 500 रुपये का बजट लग गया, उतना बहुत मेहनत लगा था, अभी फिलहाल सब कुछ लेना हो चुका है। तो अभी चलते हैं घर। तो गाइस अभी तो फिर हम लोग ले चुके हैं बहुत सारा सामान। तो मैंने एक हुज, दो हुज लिया है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, और एक पेड़ लिया है, उसी में मेरा आधा खर्चा बजट चला गया। और भाई के लिए एक फूल लिया है वाला, उसमें भी बजट चला गया बहुत सारा। और जो सामान लेना था, एक दो सामान लेना, वो नहीं लेना हुआ, और उस दिन ले लेंगे। अभी जितना सामान लिया वही सामान लेके जा रहे हैं घर। और अच्छा जल्दी पहुँच गए, जाते हैं घर, इसलिए सुबह जल्दी भी आए थे। और अभी कितना टाइम और ठीक के बताता हूँ, अभी 11:04 बाकी है। और हम लोग यहाँ पे टोटल 20 मिनट में हम लोग पहुँच चुके थे मिन्नागुड़ी। तो अभी जाते हुए 20 मिनट लगेगा, जाते हुए 10 मिनट, तो हम लोग
40 मिनट में और 20 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं तेजी के साथ में, हम लोग का डेस्टिनेशन गैरघटा जल्दी से जाते हैं। और यहाँ पे स्कूटी पूरा भगाते हैं, थोड़ा भगाते हुए, सॉरी स्कूटी बोल रहा हूँ, बाइक है, पूरा तेजी के साथ में ले गया। हमें चलते हैं गैरघटा नहीं भी जाए तो। अभी तो फिलहाल मैं घर आके, बिना से घर आके हम लोग का स्कूल मैदान पे खेला चल रहा है, वहीं पे जा रहा हूँ। और बहुत बहुत से दूर सब दूर से खेलने आए हैं टीम सब, तो अभी जाके देखते हैं खेला चालू हुआ है नहीं। तो स्कूल ग्राउंड पे चल रहा है जहाँ पे हम लोग, आप लोग देख ही चुके, देखे हैं शायद, मैं एक दो बार वहाँ पे खेलने गया था तभी ब्लॉक किया था। तो फिलहाल वहीं पे जा रहा हूँ। तो अभी तो फिर हम लोग सेकेंड खेला चल रहा है, वहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे प्लांटिंग चल रहा है और यहाँ पे फिर प्राइवेट रेडी हो रहा है। और यहाँ पर अमरदीप रेबेका। तो यहाँ पे अभी सेकंड खेला चालू होने वाला है। तो व्हाइट जर्सी में है नेपाल और येलो जर्सी में, फिलहाल जर्सी में है बिरपड़ा। तो अभी खेला चालू हो रहा है, देखते हैं कैसा लगता है, इंजॉय करते हुए। और खेला चालू हो चुका है और यहाँ पे बिरपड़ा ने टच लिया है। तो गैस मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन वहाँ पे ब्लॉक, उसके बाद में मेरा फ़ोन स्टॉप हो गया था जितना ब्लॉक किया, उसके बाद ही मेरा फ़ोन लास्ट उन लोग को जितना मैं खेल रहा था उन सबको वीडियो करना चालू किया, उसके बाद में मेरा फ़ोन पूरा स्विच ऑफ हो गया था। क्या हुआ तो कुछ पता नहीं, उसके बाद में चार्ज बैठा हो ही नहीं रहा था, उसके बाद फाइनली अभी हुआ। तो इसीलिए अभी फिर मैं 9 बजे आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। मैं ये बोलना चाहता हूँ, उसको अपॉइंट करता हूँ, सॉरी जितना मैं सुबह उसने दिखा रहा है, तो सॉरी। तो अभी ये ठीक है, ब्लॉग को एंड करता हूँ, बहुत लोगों को मोटिवेट कर लगे, तो कुछ नहीं कहूँगा, बाय।